सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे एंड इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उसके बाद 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ड्रॉबैक थे कि एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने दिया जाता था, पैसिव सिटीजन्स को नहीं देने दिया जाता था, जिसके कारण जैकोबिन क्लब सेटअप हुए। रन ऑफ टेरर के बारे में पढ़े एंड उसके बाद डायरेक्टरी रूल के बारे में पढ़े। सो ये सब जो पॉलिटिकल पावर जो चेंज हुआ, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विमेन का क्या रोल था रिवॉल्यूशन में। एंड नाउ हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे आज, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल फॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वॉज द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। सो जैकोबिन रिजाइम के दौरान स्लेवरी को हटा दिया गया था। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, ग्वाडलूप एंड सेंट डोमिंगो वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉलोनीज थी जैसे कैरेबियन में, मार्टिनिक्यू, ग्वाडलूप एंड सेंट डोमिंगो, यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी, किसकी? टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। बट दिक्कत क्या था, यूरोपियंस नहीं वहाँ जाके काम करना चाहते थे प्लांटेशन फील्ड्स पे, है ना? सो ये दिक्कत था। सो दिस वॉज मेट बाई अ ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्स फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डिक्स और नैंथिस टू द अफ्रीकन कोस्ट, वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चिफ्टन, ब्रांडेड एंड शैकल्ड। द स्लेव्स वेर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन, वेयर दे वेर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. So, अभी अगर मैं आपको बताऊँ, this slave trade हो कैसे रहा था? यहाँ से देखते हैं, ये सपोज़ कर लीजिए यूरोप है, ये सपोज़ कर लीजिए अमेरिका है, और ये सपोज़ कीजिए कि अफ्रीका है। सो यूरोप वाले यहाँ जाके काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे अफ्रीका में जाते थे, स्लेव को ख़रीदते थे एंड स्लेव को ले जाके यहाँ पे छोड़ देते थे और काम करवाते थे। सो ऐसे जो ट्रेड चल रहा था, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं इसको, बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of the economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. So, बहुत जगह ये debate चलता था कि क्या मतलब ऐसे slave जो लोग हैं उनके साथ ऐसा करना चाहिए, उनसे इतना काम कराना चाहिए। तो फ्रांस में ये 1794 में ऐसा डिसाइड हुआ कि जितने फ्रेंच ओवरसीज़ पोजीशन है वहाँ पे स्लेव ट्रेड को, वहाँ से स्लेव ट्रेड हटा दिया जाए। देन नेपोलियन जब आया तो उसने वापस ले आया स्लेवरी को एंड फाइनली
स्लेवरी जो थी वो फ्रेंच कॉलोनी से 1848 में एबॉलिश हुई। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक, ऑन द बुक्स दे रीड? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. So revolution के कारण life में कैसे change आता है वो हम लोग आगे इस paragraph में देखते हैं। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. So, जब Bastille को तोड़ा गया उसके बाद censorship को हटा दिया गया। In the old regime, all written material and cultural activities, book, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. कभी भी कोई play होता था, कोई newspaper होता था, ये कब प्ले किया जाता था? सपोज़ मुझे एक प्ले परफॉर्म करना है तो ये मैं कब कर सकता हूँ? जब किंग अप्रूव करेगा उस स्क्रिप्ट को। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। बट अभी जो राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया था, मतलब लोग अपनी बातें खुल के रख सकते थे। Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they travelled rapidly into the countryside. So, अब जब लोग खुल के बोलने लग गए थे तो उनके जो newspaper थे, pamphlets थे, books थे, उसमें वो लोग अपनी बातों को खुल के express करते थे और धीरे धीरे ये circulate होते थे, newspaper, magazine ये सब circulate होते थे। They all described and discussed the event and changes taking place in France. Freedom of the press also meant the opposition view of event could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in texts which only a handful of educated could read. So, इस paragraph में अगर जो बताया गया है concept, freedom of expression, मतलब पहले censorship थी, बाद में लोगों को आज़ादी मिल गई कि वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी अपने फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में उसके बाद लोग खुल के लिखना चालू हो गए, अपनी बातें एक्सप्रेस करने लग गए, यही चीज़ सर्कुलेट हुआ। एंड जब सर्कुलेट हुआ तो वहाँ से डिबेट चालू हो गया, तो चेंजेस आने लग गए। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynastic and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weight and measure provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who could bring freedom for the people. But soon the Napoleon army came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of these measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to the other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. The spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal system were abolished, colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France. So 1804 में आ गया था नेपोलियन बोनापार्ट। जब वो फ्रांस में वापस आया तो अगेन पॉलिटिकल पावर किसके पास चली गई? नेपोलियन बोनापार्ट के पास। अब फ्रांस एक डिक्टेटर के अंडर था। नेपोलियन आके कई सारे चेंज कराए, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी,
एंड बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके बाद फ्रांस में जो चेंजेस आए, पहले नेपोलियन को अच्छा माना गया एंड देन बाद में बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। सो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे।